जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार मुंबई इंडियंस की टीम की जीत के ऊपर क्या बोले मुकेश अंबानी, और कर दिया ऐसा बड़ा ऐलान कि सुनने के बाद पूरा भारत देश हो गया हैरान। तो दोस्तों इस खबर के बारे में तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मुंबई इंडियंस की जीत से खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आईपीएल 2022 का 44वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच खेला गया, जहां इस मुकाबले में राजस्थान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाए थे और मुंबई की टीम को लक्ष्य दिया था 159 रनों का। हालांकि बीच में तो मैच फंसता हुआ नजर आया था, लेकिन जैसे जैसे सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने रन बनाने शुरू किए और यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम जीत की राह पर बढ़ चुकी थी। हालांकि इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने मुंबई इंडियंस की तरफ से 39 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली, जिसके चलते यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम 5 विकेट से जीत हासिल कर सकी। हालांकि आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस की ये पहली जीत है और पहली जीत की खुशी मुंबई इंडियंस टीम के मालिक और साथ में उनकी टीम के फैंस को भी है। तो वहीं अब मुकेश अंबानी का एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया है, जहां पर उन्होंने मुंबई इंडियंस की जीत के बाद कुछ ऐसा बड़ा ऐलान कर डाला है जिसे सुनने के बाद आप भी जरूर उनको सलाम ठोकने वाले। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मुकेश अंबानी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारी टीम ने पहले भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। आईपीएल 2022 में टीम हमारी पहले भी बता चुकी है कि आखिरकार वो दमखम रखती है किसी भी सिचुएशन में मुकाबलों को जीतने का, लेकिन कभी कभार परिस्थितियां हमारे हक में नहीं होती हैं, कुछ हम सोचते हैं और होता कुछ और है। यही हमारी टीम मुंबई इंडियंस के साथ हुआ, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि पहला मैच मुंबई इंडियंस जीत चुकी है और अपने 2 अंक लेकर वो आईपीएल 2022 की पॉइंट टेबल में जरूर अपना स्थान अभी भी बनाए हुई है। तो वहीं आगे बात करते हुए वो कहते हैं कि इस बार भले ही हमारी टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई ना कर पाए, लेकिन उम्मीद हम यही करेंगे कि 5 या फिर 6 नंबर पर अंत में जाकर टूर्नामेंट को हमारी टीम समाप्त करे। तो वहीं आगे बात करते हुए मुकेश अंबानी कहते हैं कि इस मुकाबले में रोहित शर्मा के ऊपर काफी ज्यादा दबाव था और वो भी बस मात्र 2 रन ही बना सके, लेकिन सूर्य कुमार यादव जो कि हमेशा ही शानदार लय में चलते हैं, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाई है और जिन खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान इस जीत में रहा है उनके लिए एक इनामी राशि की घोषणा मैं करता हूं। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर मुकेश अंबानी ने मुंबई इंडियंस की जीत के बाद एक बड़ा ऐलान ये तो कर ही डाला है, बाकी उन्होंने ये बड़ा बयान देकर भी लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल भी जीत लिया। तो ऐसे में दोस्तों अब आप सभी की क्या राय है, आप क्या मानते हो मुकेश अंबानी ने बिल्कुल सही किया या फिर गलत, आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।